Assalamualaikum friends, क्या हाल चाल है? ठीक हो? यार करिया क्या है? बड़े दिनों बाद आज मैं आया हूँ यहाँ पे. क्या करना है? अनबॉक्सिंग करना है यार. स्कूल्स का एक मसला बन गया यार, कॉलेज जाना पड़ता है हमें. तो वेलकम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल. और आज मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग ऑफ एयरपॉड्स. मैंने दो मॉडल लिए एयरपॉड्स के. एक है i12, दूसरा है i13. अभी आप सोच रहे होंगे मेरे पास कहाँ है एयरपॉड्स. अभी आ जाएंगे एयरपॉड्स, अभी आ जाएंगे. ओए ओए, आ गए. तो मेरे ख्याल में i12 आया है एक मेरे पास और i13 भी है. ये आ गया i13. एयरपॉड्स मेरे पास आ चुके हैं. ये मैंने दोनों मॉडल उठा लिए, चेक करते हैं इनमें से कौन सा अच्छा है, क्योंकि अपडेटिंग मॉडल यही है. तो चलिए हम इन्हें करते हैं अनबॉक्स. चलिए इसकी टच यूजिंग सीरी है. मतलब कि आप अगर आप कहेंगे ना कनेक्ट, तो ये कनेक्ट हो जाएगा. ओपन लिप भी साथ में है. तो ये रहे हमारे पास एयरपॉड्स. ये हैं, ये यहाँ पे इनका टर्निंग बटन है. चलिए मैं आपको एयरपॉड की शेप दिखाता हूँ. आप देख सकते हैं कमाल के एयरपॉड हैं, बड़े अच्छे हैं. कान में तो बड़े अच्छे लगेंगे. तो और हमें क्या देखने को मिल जाता है डब्बे में, एक हमें देखने को मिल जाती है वोकल लाइट जिसमें चाइनीज भरी हुई है. i13 वेल स्टीरियो एयरफोन्स हैं. और ये रहे हमारे पास, एक हम मिल जाती है डाटा केबल जो कि इसको चार्जिंग करने के लिए होगी. तो चार्जिंग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है. चलिए अब किसकी बारी है. ये एयरपॉड्स तो अच्छे ही हैं, मैं इनका रिव्यू आपको दूंगा बाद में. अभी ये ऑन नहीं हो रहा मेरे ख्याल में. इसकी जो चार्जिंग केबल है वो यहाँ पे लगेगी बिल्कुल इस तरह से. ठीक है जी. तो चलिए आप किसी और चीज़ को अनबॉक्स करते हैं. ये थे आई थिंक i13. ये हैं i12. इन्हें अनबॉक्स करते हैं हम. i12, अभी इससे पहले हमने इसका अपग्रेडिंग मॉडल किया है i13 आई थिंक. तो ये रहे
i13. जी तो ये है हमारे पास i13 रैपर साइड पे कर लेते हैं i12 तो यार कमाल के हैं ना, क्या बात है भाई। इसका भी सेम सिस्टम है, अभी चार्जिंग होगी तो ये चलेंगे। भाई इनकी मैं शेप दिखा देता हूँ आपको, भाई कमाल की। आई थिंक साइज का फर्क है थोड़ा सा, शायद ना भी हो कोई पता नहीं। ये मैं आपको i13 के दिखा देता हूँ, नहीं साइज भी सेम ही है, साइज से क्या फर्क होना है। तो इनके बॉक्स भी सेम है, ज़बरदस्त भाई। इनको हम चलाएंगे तो आवाज़ का पता चलेगा कैसी हैं। ये दोनों मेरे ख्याल में आई थिंक 10,000 के आए हैं, मैंने प्राइस पूछी नहीं है वैसे, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि इसकी दोनों की क्या प्राइस है। ये चर्चा इसके ऊपर, इसमें ये है हमारे पास एक चार्जिंग केबल, सेम फंक्शन है दोनों का, बस अपग्रेडिंग वाला मतलब कि आवाज़ अच्छी होगी इसमें, स्पीकर अच्छे होंगे। तो अभी हम इनको देखेंगे चलाएंगे कैसे चलते हैं, हम सब अच्छे ही चलेंगे। आई थिंक ये i12 है, एक्सेसरी बॉक्स और ये i13। तो आई थिंक मैंने कनेक्ट कर लूँ, नहीं ब्लूटूथ ऑन कर दियो। हाँ i13 वाले के साथ आवाज़ सुनते हैं कैसी आवाज़ है इनकी, प्रोफेशनल लग रहे होंगे। क्या बात है भाई, क्या साउंड है यार, कमाल का साउंड है भाई जान। सॉन्ग भी मस्त लगा हुआ है। चलो यार अभी इसे डिस्कनेक्ट करो और i12 का करो। i13 का भाई कमाल का है साउंड, तो कमाल है i13 का। अभी हम i12 का देखते हैं, ऑन करता हूँ, मैं ऑन करता हूँ इसे अभी। जी ये हो गया ऑन, चलो भाई चलो। लग रहा है प्रोफेशनल, वैसे मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आपको सुनाई दे रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। प्रोफेशनल लग रहा है वैसे यार, क्या बात है, कमाल का सुन रही इनका भी। लेकिन i13 का ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि वो अपग्रेडिंग मॉडल है, तो बंद कर दो यार। चलो जी तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो आप तक पहले पहुंच के लाइक करना मत भूलें। चल चल लाइक कर, अभी लाइक कर, चल अल्लाह हाफिज़।